बेटी ने हाथी का रोना सुना और उसकी सूंड से बाहर आ गई। हाथी उस अदना चींटी को देखकर सख्ती में आ गया। वो इतना खौफजदा था कि चींटी कहीं उसे फिर न काटे, इसलिए उसने घुटने टेके और वो माफी मांगने लगा। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हाथी अपनी गलती समझ गया, वो वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद उसने फिर कभी किसी को नहीं सताया। अब तुम समझे, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सब काबिल होते हैं। अपने हुनर पर घमंड मत करो, उसका इस्तेमाल दूसरों की खिदमत के लिए करो। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, हम सब काबिल हैं और हम सबके अपने अपने हुनर हैं। हमेशा ये याद रखो कि चींटी की तरह छोटा भी हाथी को सबक सिखा सकता है। हाँ परी, हम समझ गए। मैंने तुम्हें कई बार देखा है, तुम चिंटू को बेहद सताते हो क्योंकि वो पानी से डरता है। मुझे माफ कर दो, हम कभी भी उसे परेशान नहीं करेंगे। असल में हम सब उसकी मदद करेंगे ताकि वो अपने खौफ का मुकाबला।